फाइनली मारुति सुजुकी अर्टिगा का जो फेसेट मॉडल है वो अब इंडियन कार मार्केट में लॉन्च हो चुका है। यस इट्स ट्रू। एंड आज मैं उसी गाड़ी से जुड़े कुछ छोटे मोटे हाइलाइट्स आप लोगों से शेयर करता हूँ। देखिए, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें सिर्फ मैंने एजम्पशंस किए थे, लेकिन आज जब गाड़ी आ चुकी है इन द इंडियन कार मार्केट तो उसके बारे में फटाफट से चर्चा करते हैं। और स्वागत है मेरे सारे दर्शकों का ऑटो पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ आप लोगों का होस्ट राहुल, एज यूजुअल। ठीक है, कोई चेंज नहीं, कोई कुछ नहीं, और एकदम वैसे के वैसे ही हूँ। लेकिन कंटेंट आप लोगों के लिए काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग लेके आता रहता हूँ। और आज सोचा कि यार अर्टिगा पे थोड़ी बात कर लेते हैं कि क्या ये गाड़ी लेने लायक है ओवर द किया कारेंस या फिर रेनॉल्ट ट्राइबर, जो कि इसके मेन क्लोज कॉम्पिटिटर्स है इन द इंडियन मार्केट। तो चलिए बात करते हैं इन शॉर्ट एंड इन डिटेल। Without wasting any more time, let's start this video. शुरू करते हैं आज के ये वीडियो सेशन और बात करते हैं अबाउट द न्यूली लॉन्च्ड फेसलिफ्ट मॉडल ऑफ मारुति सुजुकी अर्टिगा MPV। देखिए, MPV stands for the multi-purpose vehicle and Renault Triber और किया कारेंस के बीच में आती है अर्टिगा। मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी यही है, एक ब्रांड वैल्यू भी अर्टिगा की ज़्यादा है इन द इंडियन कार मार्केट ओवर द ट्राइबर या फिर कारेंस। और जहाँ तक मेरा मानना है, इस गाड़ी की बुकिंग्स भी काफ़ी हद तक अच्छी हुई है, जो कि इसके लिए बहुत बहुत बड़ा ही पॉजिटिव इंटेंट है, क्योंकि कस्टमर्स अब मारुति गाड़ियों को, जो मतलब अपडेटेड मारुति गाड़ियाँ, उनमें भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बलिनो हो या फिर सिलेरियो हो, सब में अच्छा खासा लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है। और बलिनो की बुकिंग्स भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है। आज भी इसकी सेल्स एज यूजल है, उसके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले तो हमेशा हाई है, मतलब एकदम लेफ्ट टॉप ऑफ द टेबल पे आपको देखने को मिलेगा। खैर, उन सब बातों को छोड़ते हैं, बात करते हैं अबाउट दी न्यू जनरेशन अर्टिगा। अब इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? स्लाइट कॉस्मेटिक अपडेट्स इन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, अ न्यू इंजन, थोड़ा सा इसका पावर कम किया गया है, शायद XL6 में थोड़ा पावर बढ़ा के देंगे। एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार 115 BHP आएगा इसमें, लेकिन 102 BHP दिया गया है। पावर कम है लेकिन चल जाएगा, इट इज़ सफिशेंट फॉर अ सिटी ड्राइविंग पर्पस। ओके, और मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग इसको अपने कमर्शलाइज सेक्टर के लिए ज़्यादा लेते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए ज़्यादातर लोग XL6 की तरफ भी जाना प्रेफर कर सकते हैं। देखिए, इसमें आपको मिलेगा 6-speed का ऑन न्यू टॉक कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, जो कि रिप्लेस कर रहा है विद द 4-speed टॉक कन्वर्टर जो कि मिला कर रहा है इन द प्रीफेसिबल मॉडल। और इसमें मिला करेगा आपको पैनल शिफ्टर्स, फर्स्ट टाइम इन एनी मारुति कार आपको 6-speed टॉक कन्वर्टर, वो भी पैनल शिफ्टर के साथ, है ना, एकदम खास चीज़। और आप लोगों को इस गाड़ी में इम्प्रूव फ्यूल एफिशिएंसी भी मिलेगी। स्पेस वगैरह के बारे में टेंशन मत लीजिए, गाड़ी में स्पेस पहले की तरह ही है और अच्छी खासी स्पेस आपको देखने को मिलती है इन ऑल द 3 रोज। गाड़ी का इंटीरियर पहले की तरह ही है, बस उसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट नया वाला आ चुका है, टंग ट्विस्ट हो गया, स्मार्ट प्ले प्रो प्लस। ओके, सो ये एक टच स्क्रीन है जो कि आपको बलिनो में भी मिलता है। अब ये चीज़ आपको XL6 में भी देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ थोड़े बहुत अपग्रेड करें। आपके पास सुजुकी कनेक्ट का टेक्नोलॉजी आपको मिल जाता है, मतलब कि अब आपकी जो अर्टिगा है वो नॉर्मल अर्टिगा नहीं है, इट्स अ कनेक्टेड कार, इट्स अ प्रॉपरली कनेक्टेड कार, क्योंकि मारुति भी अब कनेक्टेड गाड़ियों की तरफ बढ़ती जा रही है, मतलब टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती जा रही है अपने सारे कस्टमर्स को। ओके, सो ये तो बात हो गई अबाउट दी टेक्नोलॉजी इंजन। और जहाँ तक मेरा मानना है, लुक्स में सिर्फ फ्रंट लुक में ग्रिल चेंज है, साइड लुक में जो अलॉय व्हील्स है दे आर द न्यू वन, जैसे कि पुरानी वाली में 15 इंच के बड़े बेकार से अलॉय व्हील्स आते थे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार दोबारा वो वाली चीज़ ना उतारे इस बार गाड़ी में, लेकिन मारुति ने कस्टमर्स की फीडबैक को सुना और फाइनली 16 इंच के अलॉय व्हील्स दे दिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं यार रियलिटी में। आप लोग देखिए स्क्रीन के ऊपर क्या सुंदर लग रही है, गाड़ी के जो लुक्स है ना वो एकदम निखर के आ रहे हैं। साथ ही गाड़ी के जो पेंट स्कीम है उनमें भी थोड़े बहुत चेंजेस कर रहे हैं, जो कि इस गाड़ी के फेवर में जाता है। और प्राइसिंग अब थोड़ी सी महंगी हो गई है, क्योंकि जो CNG मॉडल है वो आपको VXI मॉडल में भी मिलेगा एंड ऑल्सो इन द ZXI मॉडल एज वेल, यानी कि सीधा टॉप मॉडल में भी आपको CNG देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा गया है, अब की बार CNG में भी देखने को मिलेगा, लेकिन रेगुलर पेट्रोल से CNG में शिफ्ट करने पर आपको करीब करीब 1 लाख रुपये खर्च करना पड़ेगा। मैं व्यूवर्स आप लोगों को ये मैं बता दूं कि 1 लाख रुपये बहुत बड़ी अमाउंट होती है, तो आप लोग सोच समझ के लीजिए। अगर आपको CNG गाड़ी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तभी कंसिडर करिए, अदरवाइज मत करिए। लेकिन किया कारेंस और ट्राइबर को टक्कर देने के लिए आप परफेक्टली तैयार है मारुति सुजुकी अर्टिगा। देखिए, इन तीनों गाड़ियों का दोबारा से मैं कंपेरिजन करता हूँ। अगर
आप लोग चाहते हैं कि मैं इस गाड़ी का दोबारा कंपैरिजन करूं विद द किया कारेंस या फिर ट्राइबर, तो कमेंट्स में बताइए। और क्योंकि मैंने इस गाड़ी इन तीनों ही गाड़ियों का कंपैरिजन कर रखा है, तो सोच रहे हैं दोबारा करते हैं, क्यों अब की बार थोड़ा सा और भी डिटेल तरीके से चलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा कुछ बता नहीं पाया था, लेकिन जितना हो सका था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था डिटेल्स। चलिए आप लोग बताइए कि आप मुझे कंपैरिजन करना चाहिए या नहीं। मैं क्या बोलते हैं, एक पोल डालूंगा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, मेरी स्टोरी पे जाके चेकआउट करिएगा। अगर आप लोग ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करोगे, मतलब ज़्यादा ज़्यादा आप लोग अगर अपील करोगे कि हाँ कंपैरिजन चाहिए, देन डेफिनेटली मैं वीडियो लेकर आऊँगा आप सब लोगों की डिमांड पर। टिल देन आज के लिए तो बस इतना ही, लेकिन सेफ्टी रेटिंग का क्या भाई? सेफ्टी रेटिंग का कुछ नहीं है अभी, देखिए क्रैश टेस्ट हुआ नहीं है किसी भी मारुति गाड़ी का, जो भी अभी नई नई गाड़ियाँ अपडेट हुई है, तो वेट करना पड़ेगा यार, क्योंकि मारुति गाड़ियाँ अब पहले से इंप्रूव हो रही है। लेकिन अर्टिगा अगर आप 4 एयरबैग्स दे रही फॉर द टॉप मॉडल, बेस मॉडल्स में आपको ABS प्लस EBD प्लस ब्रेक असिस्ट प्लस ड्यूल एयरबैग्स साथ ही आपको मिला करेगा टॉप मॉडल में, ABS प्लस EBD 4 एयरबैग ब्रेक असिस्ट ESP आपको मिलेगा सिर्फ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक में, और जो हिल होल्ड है वो सिर्फ ऑटोमेटिक में ही देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस है इन द फीचर्स लिस्ट, लेकिन बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन देखना ये होगा कि सेफ्टी में ये कितना अच्छा परफॉर्म करती है। ट्राइबर इज द सेफेस्ट MPV इन दिस कैटेगरी, और उसके बाद अगर अर्टिका अगर 4 स्टार ले आती है देन सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी यार। सो वेट करते हैं, बस यही क्या बोलते हैं, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छे स्कोर करें और एक अच्छी सेफ्टी दे अपने सारे कस्टमर्स को। सो आज के लिए बस इतना ही, बताइए कि जरूर वीडियो कैसा लगा, और थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया वीडियो, छोटा बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, लेकिन इतना ही है आज के लिए, बहुत है। और मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मेरी वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ करिएगा। टिल देन मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर है, बाय बाय।